हाय गाइज, मैं कनक भारती, आप सभी का हमारे चैनल इडुनेस्ट में वेलकम है। गाइज, इस वीडियो में आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि मैं बिहार शिक्षक के जो बहाली होने वाली है उसके लिए करंट अफेयर्स कहां से पढ़ रही हूं। तो मैं करंट अफेयर्स प्रतियोगिता दर्पण से पढ़ रही हूं। इस बुक को जो रंजीत सर हैं, IAS रंजीत सर, वो भी रिकमेंड किए हैं। तो मुझे ये बुक बहुत ही अच्छा लगता है इस मामले में कि इसमें बहुत कुछ जो भी कंटेंट है वो पूरे डिटेल वे में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं इस जो यहाँ पे दे दिया गया है कि क्या क्या इस बुक में दिया हुआ है। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। इसमें पहला जो टॉपिक शुरू होता है इस बुक का वो राष्ट्रीय घटनाक्रम से होता है। और जो इस मतलब टॉपिक इसमें दिया हुआ है आप उसका पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। कहीं उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे यहाँ पे दिया, तारपीडो द्वारा पानी के भीतर लक्ष्य भेदने का नौसेना द्वारा सफल परीक्षण किया गया। नौसेना के द्वारा जो परीक्षण किया गया उसके बारे में इसमें डिटेल में दिया है। फिर देखिए यहाँ अगला टॉपिक है कि जो रेलवे का दुर्घटना हुआ था, रेलवे ट्रेन का, रेल का, वो बालासोर में, तो उसके बारे में दिया हुआ है। फिर उच्च शैक्षणिक संस्थानों की शिक्षा मंत्रालय की अखिल भारतीय रैंकिंग, जो इंडिया रैंकिंग है, कौन सा महाविद्यालय जिसको नंबर वन पे रखा गया और किस उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है रैंकिंग फिक्स करने के लिए, वो सब कुछ दिया हुआ है। आपको अगर क्वेश्चन पूछ देगा इससे रिलेटेड तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिर उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। इसमें राष्ट्रपति मुर्मू, जो द्रौपदी मुर्मू की सूरीनाम व सर्बिया की राजकीय यात्रा, ये दो देश की यात्रा पे गई थी जो कि 6 दिन की राजकीय यात्रा थी। तो इसमें दोनों देश सूरीनाम और सर्बिया के बारे में डिटेल में दिया हुआ होगा कि वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, वहाँ पे इनका क्या क्या हुआ, कोई समझौता भी हुआ, सब कुछ के बारे में डिटेल में दिया हुआ मिलेगा आपको। तो इससे जो है मतलब बहुत ही इजी वे में आपको टॉपिक समझ में भी आ जाएगा। इसके बाद जो इसमें रहता है मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद रहता है आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य, मतलब इकोनॉमिकल जो भी टॉपिक होगा उससे भी रिलेटेड आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है नवीनतम सामान्य ज्ञान। आप देख सकते हैं इसमें जो भी अभी UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये चर्चा में, न्यूज़ में बना हुआ, उसके बारे में दिया हुआ। फिर अपॉइंटमेंट जो होती है भारतीय पुलिस सेवा के, रवि सिन्हा राव के नए प्रमुख बने। तो रॉ का है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ क्या है, खुफिया एजेंसी है, तो उसके हेड किसको बनाया गया, रवि सिन्हा को बनाया गया है। तो इस चीज़ से आपको इसके बारे में पता चल रहा है, इसका मतलब विशेष सचिव के रूप में वो कार्यरत थे इस नियुक्ति से पूर्व, तो ये सारा चीज़ आपको पता चलेगा। और इस मंथ में जो भी अपॉइंटमेंट हुआ है सबके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। आप यहाँ देखिए त्रिनिदाद एवं टुबेगो के डेनिस फ्रांसिस संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के नए अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं। तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है और इसके बारे में आप पढ़िएगा तो पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद आता है खेल कूद का, आता है खेल कूद में जो भी बैडमिंटन है, क्रिकेट है, इंडोनेशियाई ओपन है, ये सब सारे खेल को कवर करता है, चाहे वो राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी हो, सब खेल को कवर करता है इस बुक में। देखिए यहाँ फुटबॉल के बारे में भी दिया हुआ है, मैनचेस्टर सिटी कप का विजेता, मतलब जो अदर कंट्री है वहाँ पे भी जो मेन घरेलू कोई भी गेम होता है उस सब चीज़ के बारे में इसमें दिया हुआ रहता है। तो आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने का सवाल ही नहीं उठता है, कहीं से भी पूछ दे। उसके बाद आता है, आप देख लीजिए, स्मरणीय तथ्य। उधर जितना भी आप टॉपिक पढ़े हैं डिटेल में उसका कॉन्साइज वे में यहाँ पे दिया हुआ रहता है, कॉन्साइज वे में दिया हुआ रहता है। राष्ट्रीय देख लीजिए, राष्ट्रीय टॉपिक उधर था, फिर राष्ट्रीय में जो सब आया था वो सारा इसमें, आप इसमें क्विक रिवीजन कर सकते हैं, इसके थ्रू, स्मरणीय तथ्य के थ्रू आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं।
फिर यहाँ पे आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा जो हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, तो उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे विभिन्न वर्तमान में चर्चित विभिन्न अवधारणाएं, जैसा कि यहाँ अभी भारतीय इतिहास कला एवं संस्कृति, हमारा जो नया संसद भवन बना है उसमें सेंगोल रखा गया है, उसके बारे में वह डिटेल में दिया हुआ है। तो इससे अगर आपको क्वेश्चन आएगा सेंगोल से, तो छूटने का कोई सवाल ही नहीं है कि आप छोड़ पाइएगा उस क्वेश्चन को, इतना डिटेल वे में समझाया हुआ है हर चीज़। तो ये बुक मेरे ख्याल से बहुत ही फायदेमंद है आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। यहाँ पे सार संग्रह करके एक टॉपिक दिया हुआ है, इसमें भारतीय इतिहास एवं संस्कृति हर सेक्शन से कम 10 क्वेश्चन लिया है। फिर है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, उससे भी क्वेश्चन लिया है। फिर है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, मतलब हर मंथ में अलग अलग, कभी कभी एक आध क्वेश्चन रिपीट होता है बट अलग अलग क्वेश्चन रहता है, इससे आपका अलग तरह से और भी क्वेश्चन से आप रूबरू हो पाइएगा। भारत एवं विश्व का भूगोल आप देख सकते हैं सार संग्रह में। पर्यावरण एवं जैव विविधता, एनवायरमेंटल टॉपिक को भी कवर किया है। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था, उस सब को भी कवर किया है। सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी, इसको भी कवर किया है। फिर है शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान, तो ये सब चीज़ भी इसमें कवर किया हुआ है। और भी टॉपिक है आप देख लीजिए, संप्रेषण या संचार, फिर है कृषि, फिर है कंप्यूटर ज्ञान और खेलकूद। प्रतियोगिता दर्पण के इस अंक में जो है एक चीज़ दिया हुआ है आप देख सकते हैं, 22 अगस्त 2022 से जुलाई 23 के अंक तक, मतलब अभी तक का इसमें दिया हुआ, लगभग 1 साल का दिया हुआ है कंटेंट, तो जो हम लोग को पढ़ना है लगभग 1 साल का तो पढ़ना ही है, तो यहाँ से वो सब चीज़ यहाँ से कवर हो जाएगा, कहीं और हम लोग को भटकना नहीं पड़ेगा। तो ये बुक बहुत अच्छा बुक है, अगर आप लोग को लगता है कि इस बुक को ख़रीदना चाहिए, अभी इसका जो है अलग से भी ये आ गया होगा, देख लीजिए यहाँ पे वार्षिकांक विश्व घटना चक्र वार्षिकी, तो आप ये बुक भी ले सकते हैं अभी जाके, अगर आप मंथली नहीं लिए हैं, नहीं तो मंथली लीजिएगा तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। इसमें कुछ क्वेश्चन भी दिया हुआ रहता है जो कि आप से सॉल्व कर सकते हैं, समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये सब चीज़ इस बुक में दिया हुआ रहता है। तो गाइज अगर आप लोग को इस वीडियो से हेल्प मिल रहा है कि आप कहाँ से पढ़िएगा करेंट अफेयर्स किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो वो आप देख सकते हैं, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो जाके बुक ले सकते हैं। अगर वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिल रहा है तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।